सब्सक्राइब कीजिए भावना जायसवाल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपीज वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जायसवाल रेसिपी। आपके लिए मैं एक सब्जी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कढ़ाई पनीर। इसे सब्जी को बहुत पसंद आता है, तो इसमें बहुत सारे पनीर होंगे, शिमला मिर्च होगा और प्याज होगा। इसे नान या तंदूरी रोटी के साथ खाया जाता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगी बनाना कढ़ाई पनीर। पनीर बनाने के लिए हमने लिया है पनीर, 250 ग्राम पनीर लिया है। ये घर का बनाया हुआ पनीर है और आपको अगर बनाना है पनीर घर पर तो आप इस वीडियो के लास्ट में जाकर लिंक देख सकते हैं। प्याज लिया है, एक बहुत बड़ा प्याज लिया है, टमाटर, बड़ा टमाटर, शिमला मिर्च, एक बड़ा शिमला मिर्च इसके क्यूब्स काट लिए हैं, प्याज है इसके भी क्यूब्स काट लिए हैं, ऑयल, हरी मिर्च दो लिया है, एक मलाई है, धनिया पत्ती, नमक, लाल मिर्च, धनिया, देगी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, बटर और साबुत धनिया है, जीरा, काली मिर्च, एक साबुत लाल मिर्च है, सौंफ है। ये कढ़ाई पनीर का मसाला है, इसको रोस्ट कर लेंगे। पैन को गरम कर लिया है, अब इसमें सूखे मसाले कढ़ाई पनीर के वो रोस्ट कर लेते हैं। जीरा है, धनिया है, सौंफ है, ये साबुत लाल मिर्च है और ये काली मिर्च है, रोस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा फ्लेम को तेज कर लेते हैं और इसमें खुशबू आने लगेगी, बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। अब ऑफ कर देते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं। मसाला ठंडा हो गया है, इसे जार में डालकर और इसे दरदरा पीस लेते हैं। पैन को गरम कर लिया है, इसमें एक टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, प्याज को डाल देते हैं, और ये टमाटर है, टमाटर को भी डाल देते हैं। नमक, हाफ स्पून नमक डाल देते हैं, जल्दी गल जाएगा, ये मसाले गल जाएंगे। जब ये मसाला गल जाएगा फिर इसे ठंडा करके पीस लेंगे हम। टमाटर और प्याज गल गए हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे मिक्सी में निकाल लेते हैं। ठंडा हो गया है, मसाले को मिक्सी में निकाल लेते हैं। और पीस लेते हैं। पैन गरम कर लिया है, अब इसमें बटर डाल देते हैं, एक स्पून बटर डाल देते हैं। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं। हरी मिर्च, दो हरी मिर्च डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट, एक स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाले को हम कच्चा पनीर रहना चाहिए मसाले में।
हाफ स्पून से कम थोड़ा हल्दी, और ये टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया हमने जो हमने भुना था वो डाल देंगे। इसके अंदर शिमला मिर्च और ये प्याज के जो क्यूब्स काटे थे वो भी डाल देते हैं। ये सूखे मसाले भुने थे सबसे पहले वो भी डालना है इसमें। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, इसमें कलर अच्छा लाने के लिए हम देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च जिसको कहते हैं कश्मीरी मिर्च कहते हैं वो डाल देते हैं। ये तीखा नहीं होता है इससे कलर इसका अच्छा हो जाता है। और पानी डालकर पूरा इसको गलाना नहीं है और इसको 2 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। मसाले में पनीर डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं मसाले को पनीर में। पनीर को थोड़ा ग्रेट कर लेते हैं, चारों तरफ से अच्छी तरह से ग्रेट कर लेते हैं। ग्रेट करने के बाद इसमें हम कस्तूरी मेथी, ऑप्शनल है, कस्तूरी मेथी लेकर आप इसे थोड़ा रब कर लें और इसे थोड़ा स्प्रिंकल्स कर दें, मिक्स कर लेते हैं और आपका कढ़ाई पनीर बिल्कुल रेडी है। कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है, इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। कढ़ाई पनीर नाम है इसे, कढ़ाई में ही निकाल रहे हैं इसे। आप इसके क्यूब्स पनीर के किसी भी शेप में कर सकते हैं, आप क्यूब्स को स्क्वायर भी कर सकते हैं और ट्रायंगल भी बना सकते हैं। थोड़ी धनिया पत्ती की गार्निशिंग कर देते हैं और ये क्रीम है, क्रीम डाल देते हैं इस पर। रेस्टोरेंट स्टाइल की कढ़ाई पनीर बनकर तैयार है, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। मैंने नान बनाया है, इसे आप नान के साथ खाएं और तंदूरी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। नान की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं कैसे बनता है तो मेरे वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि नान कैसे बनाया जाता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए हैप्पी कुकिंग।